दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभिषेक कुमार हैं प्रियंका चार चौधरी के काफी करीबी दोस्त, क्योंकि उधारियों में काफी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री देखी गई थी इन दोनों दोस्तों के बीच में, और बाहर जाकर के इन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 का काफी अच्छा चेहरा रह चुकी है। मतलब इन्हें कौन ऐसा शख्स था जो पसंद नहीं करता था, हर कोई जानता था प्रियंका को, और इनके गेम को हर कोई अब तक याद करता है, क्योंकि ये बंदी ऐसी थी जो खुलेआम दुश्मनी लेती थी। इतने सारे कंटेशन में मंडली को आप जानते हैं, पूरी की पूरी मंडली बनी हुई थी, लेकिन जो उनके सामने वन एन आर्मी की तरह खड़ी हुई थी वो प्रियंका चाहर चौधरी थी। लेकिन आज जब उनके ही दोस्तों को देखा जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रियंका के दोस्त हैं। और जाहिर सी बात है, सलमान खान ये बात बोलेंगे कि तुम्हें देख करके लगता नहीं है कि तुम प्रियंका चाहर चौधरी के दोस्त हो, क्योंकि यार ये बंदा समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन, नेवर एवर अंडरस्टैंड, बिकॉज यार बिग बॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा शो है। तो जाहिर सी बात है, इस पर हमारे को अपना 100% देना पड़ेगा ताकि ऑडियंस हमें पसंद करे, ना कि ये बोलने लगे कि तुम लोग फेक कर रहे हो। मतलब शालिन भलोंत को एक बार बोलना था कि तुम फेक कर रहे हो, रियलिटी लाओ। बस एक बार बोलने के बाद पूरा सीजन खत्म हो गया। आज तक शालिन भलोंत को फेक ही कहा जाता है, कहा जाता है कि ये अपनी एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखो एक बार जिस शख्स पे लग गया ना बिग बॉस में फेक का ठप्पा, तो बात समझ लो फिर वो तो बंदा खत्म ही है।